वेलकम फ्रेंड्स, हमारी आज की समरी सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब 5 AM क्लब पर है, जिसको रॉबिन शर्मा ने लिखा है, जो एक बहुत ही मशहूर लेखक है। द 5 AM क्लब में हम सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में जानेंगे। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से सुबह जल्दी उठकर कुछ खास काम करने से आप खुद को दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कामयाब होने का या खुद को पहले से बेहतर बनाने का एक बहुत ही आसान सा राज है, तो क्या आप उसे जानना चाहेंगे? बिल्कुल, हर कोई उसे जानना चाहता है। लेकिन क्या हो अगर हम आपसे कहें कि वो राज आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप उसे अपनाते नहीं। ये किताब बताती है कि किस तरह से सुबह जल्दी उठने से आप खुद को दिन भर के लिए तैयार कर सकते हैं। ये किताब हमें उन आदतों के बारे में बताती है जिसकी मदद से आप सिर्फ एक साल में खुद को 3 गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस बुक समरी को सुनकर आप जानेंगे कामयाबी का सुबह जल्दी उठने से क्या मतलब है, कामयाबी के 4 पिलर्स मतलब 4 खंभे क्या है, रात को जल्दी सोना क्यों जरूरी है, एक अरबपति व्यक्ति ने एक कलाकार और एक एंटरप्रेन्योर को अपनी कामयाबी का राज बताया। एक एंटरप्रेन्योर था जो पूरी तरह से टूट चुका था और फिर से खड़ा होना चाहता था, और एक कलाकार था जो कि दुनिया पर अपनी छाप छोड़ना चाहता था। वे दोनों ही लोग जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनके साथ ही एक अरबपति व्यक्ति भी था जो कि बहुत कामयाब था। एक दिन वो अरबपति व्यक्ति उस कलाकार और एंटरप्रेन्योर के पास एक बिजनेस गुरु की स्पीच सुनने के बाद आता है। उस बिजनेस गुरु का नाम स्पेलबाइंडर था, जो कि अपने ज्ञान की मदद से लोगों को मोहित कर लेता था और उन्हें बहुत अच्छी सलाह देता था। अरबपति व्यक्ति ने एक गरीब व्यक्ति का रूप अपनाया हुआ था ताकि उसे यह एहसास होता रहे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी उसने घड़ी बहुत कीमती पहनी थी। उसने कलाकार और एंटरप्रेन्योर को बताया कि किस तरह से स्पेलबाइंडर ने बहुत से लोगों की मदद की और किस तरह से वो उनकी भी मदद कर सकता है अगर वे उसके साथ चले तो। कलाकार और एंटरप्रेन्योर को उसकी बातें अच्छी लगने लगी और वो जानने को उत्सुक हो गए कि किस तरह से यह व्यक्ति इतने सारे लोगों को कामयाब बना सकता है। वे यह मानने को तैयार नहीं थे कि जो व्यक्ति उन्हें इन सबके बारे में बता रहा है वो अरबपति है, लेकिन वे उसकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। अरबपति व्यक्ति ने बताया कि कामयाबी का एक बहुत आसान सा राज है और वो है सुबह उठकर कुछ अच्छी आदतों को अपनाना। अगर वे सुबह के 1 घंटे की शांति को अपनाकर वो समय खुद को दे सके तो वे कामयाब हो सकते हैं। उसने कहा कि अगर वे दोनों उसके बीच हाउस पर आए तो वो उन्हें भी वो आदतें सिखा सकता है। इसके लिए उन्हें उससे अगली सुबह 5 बजे मिलना होगा। अगली सुबह मन मारकर कलाकार और एंटरप्रेन्योर 5 बजे उससे मिलने के लिए गए। उन्हें लेने के लिए उस व्यक्ति की रोल्स रॉयस आई हुई थी, जिस पर बैठकर वे एक प्राइवेट जेट पर गए ताकि वे बीच हाउस पर जा सके। उस जेट पर 5 AC लिखा था, जिसका मतलब था 5 AM क्लब। इस तरह से वे खुद को बेहतर बनाने के सफर पर निकल पड़े। सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फायदे हैं। आप चाहे इस दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति को ले लीजिए, उसमें एक बात साफ होती है कि वो अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान लगा पाता है। लेकिन आखिर वो किस तरह से एक काम पर इतना ज्यादा ध्यान लगाकर उसे अच्छे से कर पाता है? इसका जवाब आसान है, सुबह जल्दी उठकर। अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर का 5 AM क्लब में स्वागत किया और उन्हें इस क्लब का पहला नियम बताया। उसने बताया कि सबसे पहले उन्हें सुबह 5 बजे उठने की आदत डालनी होगी। ये काम दुनिया के बहुत से लोग नहीं करते और ये वही बहुत से लोग हैं जो कामयाब नहीं हैं। दुनिया के सिर्फ कुछ लोग हैं जो सुबह उठते हैं, और अगर आपको इस लिस्ट में अपना नाम लिखना है तो आपको भी जल्दी उठना होगा। हमारे पास काम कर पाने की एक सीमा होती है। हम एक बार में सिर्फ एक काम पर ध्यान लगा सकते हैं और एक दिन में सिर्फ कुछ दिए गए घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, हमारे दोस्त, मोबाइल, सोशल मीडिया और ना जाने क्या क्या चीजें हमारे काम के बीच में आकर हमारा ध्यान भटकाती रहती है, और हम आधा दिन बीतने के बाद अपना ध्यान किसी काम पर नहीं लगा पाते। लेकिन अगर आप 5 बजे उठेंगे तो आपको परेशान करने के लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि आधी दुनिया सो रही होगी। अब आप अपना ध्यान उस एक काम पर लगा सकते हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सुबह के वक्त हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होता है। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो सोच समझकर फैसले लेने का काम करता है। आसान शब्दों में, सुबह के वक्त हम सोच नहीं सकते, जिससे हमारा दिमाग तनाव से कोसों दूर रहता है और हम बहुत अच्छे मूड में रहते हैं। इसके अलावा सुबह का वातावरण कुछ ऐसा होता है जो हमारे दिमाग में डोपामीन और सेरोटोनिन नाम के हार्मोन्स निकालता है, जिससे हम अपना ध्यान किसी एक काम पर पूरी तरह से लगा पाने के काबिल हो जाते हैं
ये हमें पूरी तरह से एनर्जी से भर देता है और फिर हम सारा दिन अपना काम बहुत अच्छे से कर पाते हैं और एनर्जी से भरे रहते हैं। इतिहास लिखने वाले वो काम करते हैं जो आम आदमी कभी नहीं करता। कलाकार और एंटरप्रेन्योर उस अरबपति व्यक्ति के साथ समुद्र के किनारे खड़े थे जब उस व्यक्ति ने इतिहास के सबसे कामयाब लोगों की चार खूबियों के बारे में बताया। फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन IQ, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सफल या जीनियस लोगों को गॉड गिफ्ट मिला है, उनका IQ ज्यादा होता है। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन जिस तरह आप पैसा जोड़ सकते हैं उसी तरह आप IQ भी जोड़ सकते हैं। जैसे अगर किसी को कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है लेकिन वो 2 साल का कोर्स कर लेता है तो उसे आवश्यक ज्ञान मिल सकता है। इसी तरह आप कुछ साल लगातार अभ्यास करने से किसी भी फील्ड में ज्ञान हासिल कर सकते हैं। सेकंड, फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रक्शन से बचे। दूसरी बात ये कि कामयाब लोग खुद को उन चीजों से दूर रखते हैं जो उनका ध्यान भटकाती है। अक्सर लोग बहुत से छोटे छोटे काम करते हैं और जिंदगी के अंत में छोटे बनकर रह जाते हैं, जबकि कामयाब लोग अपने कुछ खास तरह के काम पर अपना पूरा ध्यान लगाकर उसे पूरे मन से करते हैं और कामयाब होते हैं। नाकाम लोगों को हफ्ते में 2 बार मूवी भी देखनी है, फुल टाइम सोशल मीडिया भी चलाना है, अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी करनी है, छुट्टियों पर भी जाना है, अपनी किस्मत खराब होने की शिकायत भी करनी है और फिर कामयाब भी होना है। वे सब कुछ करना चाहते हैं इसलिए कुछ नहीं कर पाते। थर्ड, पर्सनल मास्टरी प्रैक्टिस, चाहे आपकी कितनी भी उम्र हो कभी भी नया सीखना न छोड़े। आप किसी न किसी काम में मास्टरी जरूर हासिल करें। इसके लिए आप अपने इंटरेस्ट का कार्य चुने, फिर उस पर लगातार सालों साल काम करें। कभी निराश होकर रुके नहीं, एक दिन आप उस काम के मास्टर बन जाएंगे और लोग खुद आपके पास आएंगे। फोर्थ, डे स्टैकिंग, मतलब जिंदगी दिनों से बनी है इसलिए हर दिन जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं जब अच्छी नौकरी मिलेगी तो जीना शुरू करेंगे, तब तक वे परेशान होकर जीते हैं, या कुछ लोग डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल न करें। आज के दिन को ही जिंदगी समझे, आज के दिन का अच्छा उपयोग करें, उसे पूरी तरह से हंसी खुशी से जिए। सुबह जल्दी उठकर आप अपने दिन को लंबा भी कर सकते हैं और बहुत से काम निपटा सकते हैं। अपने दिमाग के साथ साथ अपने दिल, आत्मा और सेहत पर भी ध्यान दीजिए। अगर आप किसी भी तरह के सेमिनार में जाए तो आपको वहाँ बताया जाएगा कि कामयाब होने के लिए आपको अपने माइंडसेट को अच्छा बनाना होगा, लेकिन वे सिर्फ आपको 25% बात बताते हैं। अगर आप मर गए या आपको लकवा मार जाए तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपके घर परिवार में हर दिन झगड़े होते रहें तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अगर आपको अंदर से खुशी ना मिले, अपने जीने की वजह ना मिले तो क्या आप कामयाब हो सकते हैं? अरबपति व्यक्ति ने अपने 2 शिष्यों को बताया कि हमारे कामयाबी के इमारत के 4 पिलर्स, मतलब 4 खंभे हैं और हमें चारों पर ध्यान देना होगा, जो जीवन को भरपूर जीने के लिए और पूरी तरह से खुश रहने के लिए जरूरी है, और अपना समय इन्हीं 4 पिलर में बांटे। वो 4 पिलर है, माइंड सेट, हार्ट सेट, हेल्थ सेट, सोल सेट, मतलब दिमाग, दिल, सेहत और आत्मा। फर्स्ट पिलर, माइंड सेट। माइंड सेट हमारे मन और विचार से जुड़ा है। मन को अच्छे विचारों से पोषित करके ही हम जीवन में बढ़ पाएंगे। ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर की बातें माइंड सेट को इम्प्रूव करती है, पर सिर्फ इस सेक्शन पे काम करने का मतलब है सिर्फ 25% हैप्पीनेस पे काम करना, इसीलिए बाकी के 3 पिलर पे ध्यान देना जरूरी है। सेकंड पिलर, हार्ट सेट, मतलब अगर इमोशनल लाइफ में चैन नहीं है तो आपका माइंड सेट चाहे जितना भी मजबूत हो आप अच्छे से ग्रो नहीं कर पाओगे। कोई भी इमोशन जो जाहिर नहीं हुआ है वो कभी मरता नहीं है, आपको अंदर ही अंदर तकलीफ देता रहेगा और जिससे फिर घुटन होगी, फिर बाद में वो किसी बुरे तरीके से निकल आता है। इसीलिए अपने इमोशंस पे, अपने हार्ट सेट पे काम करना होगा जिससे फिर आपका जीवन बेहतर होगा। थर्ड पिलर, हेल्थ सेट, मतलब कई लोग अपने हेल्थ को लेके लापरवाह होते हैं। अगर आपके पास बहुत पैसे हो पर आपकी सेहत ही ठीक ना हो तो क्या आप उस पैसों को एंजॉय कर पाएंगे? इसीलिए सेहत का पूरा ध्यान जरूरी है। एक लीड परफॉर्मर बनने के लिए अपनी हेल्थ के लिए टाइम निकालिए, चाहे जितना भी व्यस्त रहें, एक्सरसाइज जरूर करिए, पर आम इंसान ज्यादातर इसे समय की बर्बादी समझते हैं। टॉप परफॉर्मर बनना है तो अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान देना होगा। फोर्थ, सोल सेट, मतलब लोग दुनिया के खेल में फंसे रहते हैं, कुछ देर का सुकून का पल नहीं लेते जिससे मन की शांति नहीं मिलती। कुछ देर खुद के लिए निकाले, शांत बैठे या मेडिटेशन करें जिससे फिर आप शांत महसूस करेंगे और चीजों को अच्छे से सोचेंगे। हमें टाइम चाहिए ताकि हम शांत महसूस कर सके, प्रे कर सके, अपने आप के साथ कनेक्ट हो सके, ताकि हम अपने बारे में और ज्यादा जान सके। एंटरप्रेन्योर और कलाकार उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब उन्हें जिंदगी को किस नजर से देखना है।
अब अरबपति व्यक्ति उन्हें आगे की बात समझाने के लिए रोम शहर में लेकर गया। सिर्फ सुबह उठना ही काफी नहीं है, अगर आप सुबह उठकर टीवी देखेंगे तो इससे आप कामयाब नहीं होंगे। रोम शहर में अरबपति व्यक्ति ने कलाकार और एंटरप्रेन्योर से सुबह उठकर कुछ काम करने के लिए कहा। उसके लिए उन्होंने ने 20-20-20 फॉर्मूला बताया है। 20-20-20 फॉर्मूला को अपनाकर अपनी सुबह को शानदार बनाए, जिसमें सुबह के 60 मिनट्स को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहले 20 मिनट्स में आपको मूव करने के लिए रखा गया है, मतलब एक्सरसाइज करना है जिससे पसीना निकलना चाहिए। सुबह उठने के बाद एक्सरसाइज करने से एनर्जी और फोकस बढ़ जाता है। साइंस के हिसाब से इसका कारण है हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल निकलता है। ये केमिकल हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है और न्यूरो कनेक्शन को और ज्यादा मजबूत करता है, जिससे हमारा फोकस और मेमोरी पावर बढ़ती है। पसीना निकलने से दिमाग में डर का कोर्टिसोल हार्मोन कम होता है और BDNF मतलब ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर प्रोटीन बनता है, जो दिमाग की मरम्मत करता है और नए न्यूरल कनेक्शन दिमाग में बनाता है। इससे फिर दिमाग बेहतर काम करने लगता है। दूसरे 20 मिनट्स में हमें जीवन को रिफ्लेक्ट करना है, यानी कि इस समय हमें जीवन को सही से एनालाइज करना है। ये सोचना है कि हम रोज जो भी काम कर रहे हैं, क्या वो हमारे जीवन के लक्ष्य तक पहुंचाएगा कि नहीं, या फिर गधों की तरह सिर्फ मेहनत करते जा रहे हैं। ऑथर कहते हैं इस समय हमें जर्नलिंग करनी चाहिए, मतलब अपने मन की बातें लिखनी चाहिए। इसके साथ मेडिटेशन और दिन भर की प्लानिंग भी कर सकते हैं। इससे फिर ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि हमारे लिए क्या क्या जरूरी है और हम दिन भर में सही फैसले ले सकेंगे। जर्नलिंग करने से मन में चल रही बातें क्लियर भी होती हैं, जिससे फिर दिमाग अच्छे से साफ हो पाएगा। तीसरे 20 मिनट्स आपको खुद के ग्रोथ के लिए देने होंगे, जिसमें आप कुछ नया सीख सके, जैसे कोई बुक पढ़ना या डॉक्यूमेंट्रीज या ऑडियो बुक सुनना, जिससे फिर आपकी नॉलेज बढ़ सके। ये बहुत बड़ी चीज है जो हर हाई अचीवर में होती है। उनमें नई चीजें सीखने का उत्साह होता है। वो इन्फॉर्मेशन जानिए जिससे आपके काम और आपके फील्ड में ग्रोथ हो। ये सारे काम करने से आप अपने शरीर से नेगेटिव भावनाओं को और नेगेटिव केमिकल्स को बाहर निकाल सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप इसे हर साल हर दिन करते रहेंगे तो अब से 10 साल के बाद आप कितने अच्छे से काम कर पाएंगे। तब आप भी उन कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को अच्छे से सोना बहुत जरूरी है, और रात को अच्छे से सोने के लिए आपको कुछ आदतें डालनी होगी। इसके लिए हम वापस आते हैं अपनी कहानी पर। अरबपति व्यक्ति अब कलाकार और एंटरप्रेन्योर को रोम के कब्रिस्तान में लेकर जाता है। वो उन्हें बताता है कि नींद के बारे में बात करने के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। अच्छी नींद लेने से आप ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाते हैं और एक सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, और अगर आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे तो आप कामयाब हो सकेंगे। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि सोना आलस की निशानी है, और जो व्यक्ति रात भर जाग कर काम करता है वो बहुत मेहनती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी हमसे हमारी नींद छीन रही है। हमारे मोबाइल, टीवी या लैपटॉप से जो रेडिएशन निकलता है वो हमारे मेलाटोनिन हार्मोन का निकलना कम कर देता है, जिससे हम रात को अच्छे से नहीं सो पाते। इसलिए रात को सोने के 2 घंटे पहले हर तरह की टेक्नोलॉजी से नाता तोड़ लीजिए। ये समय आप अपने परिवार के साथ या किसी किताब के साथ बिताइए। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना होगा, इसलिए 10 बजे तक अपने बिस्तर पर आ जाइए। सोने के अलावा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि काम हमेशा आपके जिंदगी का हिस्सा रहे। कभी जिंदगी को अपने काम का हिस्सा मत बनने दीजिए। कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी जीने की, ताकि समय समय पर आप अपना मन हल्का कर सके और खुद को रिफ्रेश कर सके। बिना इसके आप ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। यह वो वक्त है जब आप खुद को ज्यादा काम कर पाने के लिए तैयार करते हैं। इस वक्त को रिकवरी फेज कहते हैं। इस वक्त में ऊपर से देखने में लगता है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से आप अपने शरीर को जो आराम दे रहे हैं उससे आपका शरीर ज्यादा काम करने के काबिल बन रहा है। जब एंटरप्रेन्योर ने ये सुना तो उसे लगने लगा कि हर वक्त अपने काम के बारे में सोचकर वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। कलाकार ने भी अपने काम और अपनी जिंदगी को मैनेज करने की कला सीखी। अब वे अपना शानदार भविष्य लिखने के लिए तैयार थे। कंक्लूजन, द 5 AM क्लब किताब की महत्वपूर्ण बातें, सुबह उठने के महत्व, कामयाबी के रहस्य, जीवन में सफलता पाने के तरीके, ये सभी चीजें जिंदगी को बदल देती है। इस महत्वपूर्ण तथ्य को बुक में अलग अलग रूप से विस्तार से समझाया गया है, जिसे इस वीडियो में अच्छे से बताया गया है। बस इन बातों को फॉलो करें और जीवन सफल बनाएं। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।